Anamika Aharwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic HTML links. Links are found in nearly all web pages. Okay, सभी web pages में आप देखते हैं आपको links मिलते हैं. Link क्या करता है, ये user उस पर click करता है और उस web page पर पहुँच जाता है, इसलिए हम link उसको डालते हैं. ठीक है, ये use है link का. अब HTML links की बात करते हैं, जैसे hyperlink. तो HTML links are hyperlinks. You can click on a link and jump to another document. यही होता है. ठीक है, तो अब when you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand. Okay, so जैसे उस पर mouse ले जाते हो तो एक छोटा सा हाथ की तरह दिखता है, जिससे कि क्या आप इस पर क्लिक करो और वो document खुल जाए. A link does not have to be the text. Text नहीं हो सकता, और a link can be an image हो सकती है और any other HTML element हो सकता है. ठीक है, अब HTML link syntax क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, द HTML tag defines a hyperlink. It has the following syntax. तो जैसे आप देख रहे हो following syntax a href. ठीक है, reference के लिए हम दिया जा रहा है. तो यहाँ पे url link text. ओके, मीन्स ये url इससे कनेक्ट हो जाएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ए एलिमेंट इज द href. ओके, मीन्स हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, विच इंडिकेट्स द लिंक डेस्टिनेशन, उसे क्या बताएगा कि लिंक की डेस्टिनेशन कहाँ है, लिंक कहाँ पर रहेगा. अब लिंक टेस्ट जो है, लिंक टेस्ट क्या हो गया, इज अ पार्ट ऑफ पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर. ठीक है, जो रीडर को विजिबल होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, रीडर उस स्पेसिफाइड यूआरएल एड्रेस पे पहुंच जाएगा. एग्जांपल की तरह ये जो आपको एक लिंक दिया जा रहा है, ये वाला. ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो सीधे नेक्स्ट पेज पे आप पहुंच जाओगे. लेकिन इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये href, यहाँ पे एक पूरा लिंक डालना पड़ेगा, यहाँ पे उसको एंड करना पड़ेगा स्लैश ए से. ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, लिंक विल अपीयर एज फॉलोज इन ऑल ब्राउजर, सभी ब्राउजर पे वो खुलेंगे. एन अनविजिबल लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू, ए विजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड पर्पल, एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड रेड. मतलब जो जिसको हमने विजिट अभी मीन्स देखा नहीं है, तो वो ब्लू कलर में आपको लिंक दिखेगा. जो आप देख चुके हो तो वो क्या, अंडरलाइन तो आएगा और साथ में पर्पल कलर का दिखाई देगा, मीन्स ये आप देख चुके हो. और एन एक्टिव लिंक क्या कर बताएगा कि ये अंडरलाइन रेड कलर का होगा, मीन्स ये अभी एक्टिव है. तो अब HTML लिंक्स के जो टारगेट एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट द लिंक्ड पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करंट ब्राउजर विंडो. टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक. अब द टारगेट एट्रीब्यूट्स है स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट. टारगेट पे मतलब कहाँ पे अपन इस लिंक को खोलना है. टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन और मोर वैल्यूज, एक से ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती हैं. सेल्फ मतलब होता है जैसे डिफॉल्ट. ठीक है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो टैब एज इट वॉज क्लिक्ड स्लैश ब्लैंक. मतलब क्या, ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब. पेरेंट की अगर हम बात करते हैं तो ओपन द पेरेंट इन द पेरेंट फ्रेम. और टैब टॉप की बात करते हैं तो ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो. अब एग्जांपल पे आते हैं, यूज टारगेट इक्वल्स टू स्लैश ब्लैंक टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन न्यू ब्राउजर विंडो और टैब. तो क्या लिखना पड़ेगा, HTTP हमने पूरा लिंक दे दिया, ये यहाँ पर टारगेट लिख दिया, और ये ब्लैंक मीन विजिटेड ये स्कूल, और ये हो गया. ठीक है, अब एब्सोल्यूट URL वर्सेस रिलेटिव URL क्या होता है. तो बोथ एग्जांपल्स अबव जो भी था, यूजिंग द एट्रीब्यूट एब्सोल्यूट URL मीन्स अ फुल वेब एड्रेस, दोनों में क्या था,
पूरा वेब एड्रेस था इन द HREF एट्रीब्यूट. सो द लोकल लिंक मीन्स किसी भी सेम वेबसाइट पे वो चीज़ आप स्पेसिफाइड करोगे रिलेटिव यूआरएल के थ्रू, ठीक है, विदाउट द टीटीपी www पार. अब हम एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या आ जाएगा. H2 हमने क्या बताया था, हेडिंग आ जाएगी. अब एब्सोल्यूट यूआरएल H2, ठीक है, ये इस ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया. अब ये लिंक हमने दे दिया है W3C, जो वेबसाइट होगी वो, उसका ये लिंक हमें किस पे जाना है, ठीक है, पैराग्राफ पे. अब HREF ये इसमें भी अपन का क्या, इस पेज पे डायरेक्ट वो जंप मार जाएगा. मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ रेफरेंस. एंड ये जो रिलेटिव यूआरएल है वो टॉप बी, जो आप इसको बोलोगे कि जैसे H2 इसमें हेडिंग लिख दी और ये बीच में आप इसको ये आपका यूआरएल आ गया और ये भी ऐसे ट्यूटोरियल का यूआरएल आ गया. तो अगर हम कोई लिंक इमेज के फॉर्म में देना चाहें तो क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, default.asp. आप इमेज src इक्वल्स टू smiley.gif, जिस नाम से वो इमेज सेव होगी वो यहाँ लिख देंगे. बस उसमें HREF लिखते तो यहाँ पे इमेज src लिखेंगे. और alt इक्वल्स टू html ट्यूटोरियल स्टाइल विथ इतना 42px, हाइट इतनी, वैल्यू ये इतना. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया किसके लिए, इमेज के लिए. अब लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, अब किसी ईमेल एड्रेस का जो है लिंक है तो क्या करेंगे, यूज़ मेल टू इनसाइड द HREF. जैसे इसमें देख लिखा है मेल टू समवन डॉट एग्जांपल, ये सेंड ईमेल, तो यहाँ पे ऐसे वो चीज़ आ जाएगी. अब वहाँ पे हम क्लिक करते साथ ही उसको वहाँ पे सेंड मेल अपन भेज सकते हैं, ठीक है. अब बॉटम ऐसा लिंक में क्या आ जाएगा कि जो यूज़ है HTML का बटन का और एज अ लिंक, और यू हैव टू ऐड सम जावास्क्रिप्ट कोड. तो जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू स्पेसिफाई व्हाट हैपेंस और सर्टेन इवेंट सच एज अ क्लिक ऑन अ बटन. तो यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट लोकेशन डिफॉल्ट ASP HTML ट्यूटोरियल बॉटम. अब हम लिंक टाइटल की बात करते हैं, मींस यहाँ पे ऑन क्लिक का लिखेंगे तो क्लिक पे वो हो जाएगा. अब लिंक टाइटल की अगर हम बात करते हैं तो टाइटल जो एट्रीब्यूट है स्पेसिफाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट. द इंफॉर्मेशन इज मोस्ट ऑफन शोन एज अ टूल टिप टेक्स्ट व्हेन द माउस मूव्स ओवर द एलिमेंट. एग्जाम्पल लिखेंगे अपन ये ऐसे, टाइटल गो टू, इसमें मीन्स इस पे वो जंप डायरेक्ट कर जाएगी, ठीक है. अब मोर और एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल, ठीक है. एग्जाम्पल देखो, इसमें यूज ऑफ, इसमें पूरा यूआरएल इसमें वेब पेज में लिखा हुआ है. इसमें क्या हो गया, द लिंक ऑफ ए पेज लोकेटेड इन द HTML फोल्डर टू ऑन द करंट वेबसाइट, ठीक है. आप ये इसमें क्या, अगर लिंक टू द पेज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर में है और करंट पेज में है, ठीक है, तो ये ऐसे दोनों में अपन को सिंटेक्स इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो अब समरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा कि यूज द ए एलिमेंट टू डिफाइन अ लिंक. HREF जो एट्रीब्यूट होता है किसके लिए, डिफाइन द लिंक एड्रेस. टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइन वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट. img एलिमेंट क्या करेगा, इनसाइड ए टू यूज द, यूज एन इमेज एज अ लिंक. और यूज द मेल टू किसके लिए, स्कीम इनसाइड द HREF एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स द यूजर्स ईमेल प्रोग्राम. और HTML लिंक टैग्स में क्या हो जाएगा, ए डिफाइंस अ हाइपरलिंक, ठीक है. तो ये हमारा टैग हो गया HTML लिंक टैग, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट HTML लिंक्स. दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर.
Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.